नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब कुछ किस्मत का खेल है। कब किसका किस्मत पलट जाए या चीज कोई बता नहीं सकता। जी दोस्तों, और कुछ ऐसे ही घटनाएं आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के भी जीवन काल पर घटित होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 4 दिन 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई का समय, इनमें से 3 दिन में 3 बड़े शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं 10, 12 और 13 तारीख को। जी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इन दिनों में आप शुभ के जीवन काल के बहुत सारे सपने सच होने वाले हैं। बहुत सारी आपको खुशखबरी ऐसी होंगी जिन्हें सुनेंगे तो दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये घटना आपके साथ होकर रहेंगी। क्यों दोस्तों, जब भी ग्रहों में ऐसे बदलाव होते हैं तो दोस्तों यकीनन व्यक्ति के जीवन काल में इनका प्रभाव उन्हें झकझोर देता है। जो दोस्तों, जो व्यक्ति ग्रहों के चाल के साथ साथ चलते हैं वह जीवन काल में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देते हैं दोस्तों वह बाद में बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। तो दोस्तों, इसी में यश में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से शुभ समाचार यश में आपका इंतजार कर रही है, और दोस्तों इन सभी के लिए आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि बदलते घरों के चाल के साथ साथ आपके घर के माहौल में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में यश में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त उन्हें कर लेते हैं। जी दोस्तों, इस दौरान दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख लगातार आते रहते हैं। जी दोस्तों, माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप शुभ के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें, यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों, कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी इस समय कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यह समय संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा
मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों काम काज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यह समय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों इसमें खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यश में प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यशमय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यशमय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यह समय काम काज में नई उपलब्धियाँ आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी इसमें आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की इसमें आवश्यकता होगी, तो दोस्तों अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को इसमें जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यह समय पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यह समय रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी इसमें मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो इसमें प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका
स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है, और इसके उपरांत दोस्तों यशों में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी यश में मिल रहे हैं।